अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एम टी एस सी से का लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 है एग्जाम्पल, लेक्चर नंबर 14 था थ्योरी। तो उसमें हमने सब थ्योरी पढ़ी थी, तो अब हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप सारे चैनल बनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो आप लोग को टाइम पर मिल सकें। वेलकम बैक। तो लेक्चर नंबर 15 है एग्जाम्पल। तो हम ये देख लेते हैं, देखें आप ये जो है काफ़ी आपके 15, 16, 17 ये तीनों चैप्टर जो है आपके एक ही टॉपिक पे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अब तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये सोचा कि जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल करवाता था और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग खुद करते थे या एक दिन मैं समझा दिया करता था। अब इसमें मसला ये है कि ये आपके चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके 50% मार्क्स जो मिड टर्म क्वेश्चन जो मिड टर्म में आते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके जो है मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि इसमें आपको काफ़ी आसानी हुई है। वो इसलिए क्योंकि देखें मिड टर्म में जो है आपके मेजॉरिटी के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन से आते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, या आपको भी पता होगा, आपने MTS 201 में भी पढ़ के आए होंगे। तो अब इसमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं चाह रहा हूँ अगर मैं इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूँगा आपको, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर है तो मैं आपको सारा करवा नहीं सकता। मेरे पास एक ऑप्शन आता है, मैं आपको एग्जाम्पल करवा दूँगा या इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है, तो मैं आपके इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि अगर आप इसे कर लेंगे तो आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। पेपर में जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल से आते कम। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब इसमें जाएंगे सबसे पहले दिया हुआ क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ देखें, सबसे पहले आपने दिया हुआ फाइंड क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पैराबोला दिया हुआ, आपको एक क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, आपने सबसे क्या करना है, आपने एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना है, आपने वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, आप दोनों को इक्वल कर देंगे जीरो पर, फिर एक्स को सॉल्व करेंगे जो वैल्यू होगी, जो वाई की वैल्यू होगी वापसी हो जाएगी क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आपने इसमें भी यही करना है, इस तरीके से आपने इसमें भी यही करना है, तो आपके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका बताया जो आपको थ्योरी में बताया गया था। ठीक है, तो आगे चलते आप देखेंगे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप ये देखें सेकंड पार्ट डायरेक्टिव टेस्ट। अब ये चार्ट देख लें आप, क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, आप देखें डी बड़ा है जीरो के। ठीक है, और एफ एक्स क्या है, जीरो का बड़ा, तो क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम हो गया, अपोजिट हो रहा है। ठीक है, अब डी बड़ा है जीरो के और एफ एक्स जो है वो लेस देन है जीरो के, ये क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम हो गया। अब डी लेस देन जीरो है और देन एफ एक्स सेटल पॉइंट क्या है, जीरो। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं है, तो एफ डी इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, नो कॉन्क्लूजन, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या चार्ट सही से आपको समझ में आएगा, अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर एग्जाम्पल फुली करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना चाहें, तो आप इसमें से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पर, लेक्चर नंबर 15 के। अच्छा, लेक्चर नंबर 15 से पहले जो लेक्चर नंबर 14 में जो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका दिखाया गया था, तो उसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 में पहले देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, के बाद 15 में देखते हैं। तो लेक्चर नंबर 14 में देखें, आपके क्वेश्चन है ये में, तो इसको मैंने आपको आसानी के लिए जो है रजिस्टर में आपको मैं समझा देता हूँ। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले ली पिक्चर्स से, ताकि मैं उसको आराम से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 14 का एक पहला क्वेश्चन है ये, अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ। ये जो लेक्चर नंबर 14 का जो है आपको ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, ये आपको दिया हुआ है इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन यहाँ लिख ली है, अब आप इसको चाहे देख लें या मैंने आपका आसानी लगा देखें, ये उन्होंने पूरा स्टेप जो है किसी को सॉल्व किया है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को उतार लें। ठीक है, आसानी का क्वेश्चन आपने उतार लिया, आप क्या करेंगे, आप पहले एक्स रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, फिर आप लेंगे वाई के रिस्पेक्ट से। ठीक है, आप देखें एक्स रिस्पेक्ट से लिखो तो मैं डेरिवेटिव क्या होगा, 2 × 4 4x। ठीक है, और ये एक्स हो गया 1 4। ठीक है, और ये एक्स हो गया 1 y² आ गया, इसी तरीके से मैंने वाई कर, तो देखें वाई में क्या है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर 2 नीचे आ गया, x और y आ गया। ठीक है, तो डायरेक्टिव आ गया, मैंने क्या किया, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब क्या किया मैंने आगे, इसको मैंने ले गया 0 के एक बार, इसको भी ले गया 0 के एक बार। ठीक है, जो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए करते हैं। अब आप देखिए, जब मैं यहाँ इसको मैंने 0 के एक बार किया, तो एक इक्वेशन देखें सॉल्व नहीं हो रही, यहाँ x है, यहाँ y है, और यहाँ जो है एक कॉन्स्टेंट नंबर है। अब जबकि अब आप वाई पर, तो देखें वाई सॉल्व हो रही, तो मैंने क्या किया, एक्स को नहीं छोड़ दी, तो मैं वाई पर आ गया। मैंने वाई पर, तो देखें मेरे पास क्या है, देखा जाए तो एक्स पर 0 आ रहा है, तो मेरे पास क्या वैल्यू है, एक्स भी 0 आ गया, वाई भी 0 आ गया। तो ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स को जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 किया हमारे पास ये। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब मैंने पुट कर दिया एक्स को, तो मेरे पास देखें एक्स को पुट कर दिया, देखें एक्स 0 आ गया। ठीक है, 4y 4 0 हो गया, 4y आया। ठीक है, 4 जहाँ था माइनस का, वहाँ जाएंगे प्लस का, और इसको पड़ा स्क्वायर, जब आप अंडर जब आप स्क्वायर का फेंक देंगे, यानी इस तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास होता है प्लस माइनस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यानी प्लस माइनस में इसकी वैल्यू आ जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ वाई को मार लेगा, तो उसके बाद प्लस माइनस में आपका वैल्यू, यानी आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में माइनस में, प्लस का टू और माइनस टू, ठीक है। तो ये वैल्यू आई वाई, ठीक है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, आप हमारे पास क्या आया वाई जीरो आया, वाई को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है, एक्स को पुट किया वन में, आप क्या करेंगे वाई को पुट कर देंगे वन में। तो हम वाई को पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसी एक जगह पर सॉल्व किया आंसर आ जाएगा वन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, जब हमने वाई पुट किया जीरो, वाई हो गया जीरो फोर एक्स माइनस फोर, ठीक है। अब ये था माइनस का फोर, वहाँ पर जाकर हो गया प्लस का फोर, से फोर कट गया तो क्या आ गया वन, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आपके पास यही वैल्यू है, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस टू और एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। अब क्या किया, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ठीक है, हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं हमें, एक्स वाई, तो हमारे पास आ गए हैं, एक्स है हमारे पास वन और वाई के हमारे पास प्लस टू है माइनस टू। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने इसकी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो आप देखें, अगर एक्स पे देखें तो आपका एक्स पे आया वन, तो एक्स पे क्या है वन और क्या है वाई साथ जीरो, तो हमने लिख दिया। अब आप वाई पे देखें तो वाई पे वैल्यू क्या आई है, प्लस टू आई है, एक माइनस टू आई है, किस पे आई है जीरो पे, एक्स जीरो पे, एक्स जीरो पर, तो हमने पॉइंट लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे तरीके से यहाँ आंसर आ गई, हमारा आ गया क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो आप ये भी आपको ये आंसर आया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर टू में आएंगे, तो इसमें भी आपने यही करना है, साइन या साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन का होता है कॉस, ठीक है। कॉस को ऊपर ले लिया जीरो के, कॉस को ले लिया जीरो के, जीरो के बाद क्या किया, इसको कर दिया इनवर्स, ठीक है। अब ये जो पाया जा रही है रेडियन में, रेडियन में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसमें वैल्यू होगी, तो ये आपके आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, उस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो ये आपको होगा, आप क्वेश्चन नंबर थ्री पे आए, फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, तो मैंने यहाँ उतार ली। अब देखिए आपने करना क्या है, सिंपल, आपने सबसे पहले क्वेश्चन उतारने, क्वेश्चन उतारने के बाद आपने पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, फिर आपने लिया वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट से जब आपने डेरिवेटिव लिया तो आपको ये क्वेश्चन आ गई, जब आपने वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो आपको ये क्वेश्चन आ गई, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन वन का नाम दे दिया, इसको मैंने क्वेश्चन टू का नाम दे दिया, ठीक है। कि अब मैंने इसको एक्स वैल्यू निकाल लिया, मुझे वाई की वैल्यू निकाली है, मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो जब मैंने इसको जीरो के इक्वल की देखी, यहाँ पर ये जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, मैं आ गया वाई वाले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर टू पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू पर आप देखें तो हमारे पास एक्स वाई सॉल्व हो रहा है, ठीक है। एक्स का माइनस का वहाँ चला गया, पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, तो हमारे पास वैल्यू अभी एक्स की आई टू वाई, ठीक है। अभी वैल्यू नहीं आई है हमें, एक्स वाई में कोई ना कोई वैल्यू लेके आनी होती है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल नहीं लेके आना होता, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू वाई को हमने कर दिया इक्वेशन नंबर वन में पुट, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन के हमारे पास ये है, आप इसमें हमने पुट कर दिया, ठीक है। एक्स या क्या टू वाई, ठीक है, टू एक्स या क्या टू वाई, ठीक है। ये आ गया आप टू टू जो फोर वाई, अभी ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो आगे देखें तो फोर माइनस से माइनस गया वन वाई, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ होता है वन। तो ये हो गया थ्री वाई प्लस सिक्स, जब प्लस सिक्स वहाँ पर जाएगा तो हो गया माइनस का, ठीक है। थ्री से थ्री और सिक्स से कट गया, ठीक है। तो मैंने थ्री टू या सिक्स, हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गया टू। अब हमारे पास एक वाई, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने क्या किया, अब इस वाई को पुट कर दिया इक्वेशन टू में, ठीक है। अब इस वाई को हमने पुट कर दिया इक्वेशन टू में, इक्वेशन टू की हमारे पास माइनस एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। माइनस एक्स प्लस टू वाई, वाई की जगह पुट कर दिया हमें टू, टू टू का फोर माइनस फोर, माइनस का फोर है वहाँ पर हो गया प्लस, ठीक है। जब वेरिएबल के साथ यहाँ पर माइनस होगा तो ऑलरेडी वहाँ माइनस शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक्स के वैल्यू आगे हमारे पास माइनस फोर, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी आपके पास यही वैल्यू आई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने लिख दिया थर्ड ओनली क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, एक है माइनस टू, एक है माइनस फोर, ठीक है। अब आप देखें इसके आगे क्या किया लोगों ने, आप देखें इसके आगे जब हम ये देख के आए थे ये चीज़ की है उन्होंने, ठीक है। अब ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिया, इसके आगे हम फॉर्मूला होता है डी एक्स वाई, ठीक है, यानी सिंपल इसको डी बी बोल रहे हैं, अब डी, ठीक है। फिर एफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ वाई वाई माइनस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैं अगर देख लेता हूँ सेवन डी बी नहीं डी बी, यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। अब आप देखें ठीक है, और तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव, ठीक है। आप एफ एक्स एक्स यानी एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दो मरता डेरिवेटिव लो रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो उसको एफ वाई वाई, यानी दो मरता वाई का डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ आएगी, फिर वाई के डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ आएगी, फिर क्या एफ एक्स वाई यानी एक्स के रिस्पेक्ट के जो डेरिवेटिव है उसको रिस्पेक्ट से लो वाई के, उसको कर दो स्क्वायर, जिसको आंसर आएगा आप लिख दो यहाँ पे। तो ये आप हम देख लेते हैं, अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मूले में एफ एक्स एक्स, यानी कि क्वेश्चन का जो है एक्स डेरिवेटिव, यानी इस डेरिवेटिव का हमें एक और एक्स्ट्रा डेरिवेटिव लेना है। तो हम देख लेते हैं वो क्या, देखें आप हम इसका मैं एक और डेरिवेटिव लूँगा तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, देखें अब टू की जगह हो गया एक्स, हो गया वन, ये हो गया जीरो, तो मेरे पास एक्स एक्स के आ गया मेरे पास टू आ गया। इसी तरीके से मैं गया वाई में, वाई में देखें वाई का क्वेश्चन का वाई का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, ठीक है, और वाई का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो देखें माइनस एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ एक्स हो गया जीरो, वाई की जगह वन, तब क्या आ गया टू आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया टू। अब यहाँ पे क्या है एफ एक्स वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई स्क्वायर, तो अब आप देखें आप एफ एक्स
का हमें लिया था एक्स एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट लेना वाई से, यानी जो हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव है उसको हमें क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट से लेना है। ठीक है, तो जब हम इसका वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, वाई हो जाएगा वन, वाई हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा जीरो, तो हमारे आंसर क्या रहा है, माइनस वन। यहाँ पे हमारे पास आ गया आया माइनस वन। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करें टू टू जो फोर, ठीक है, वन स्क्वायर होता है वन। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस, अब फोर में से बन गया थ्री। अब आप देखें जब आप यहाँ पे आएँ तो अब आप देखें थ्री जो है वो जीरो से बड़ा है। ठीक है, थ्री जीरो से बड़ा, और एक्सेस क्या है, एफ एक्सेस हमारे पास आया टू, ये भी जीरो से बड़ा है। तो आप कंडीशन यहाँ आके देखें कि अब डी डेरिवेटिव जीरो है, बड़ा है जीरो से। ठीक है, ये भी बड़ा है जीरो से, और हमारे पास कहता है एफ एक्सेस, एफ एक्सेस में क्या है, जीरो, बड़ा है जीरो से, तो क्या रिलेटिव मिनिमम आएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ आके देखें यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर आप आगे हैं तो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ठीक है, सिंपल वही करना है, स्मॉल आसान दिया हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये सिंपल आपने करना है। ठीक है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको लेक्चर नंबर 14 हो चुके हैं क्रिटिकल पॉइंट, अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 15 की तरफ। तो ये थोड़ा जैसे जो है कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है। तो आप देखें इसका लेक्चर में 15 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, ये दिया हुआ है, क्लासिफाई देम इनटू रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम एंड क्रिटिकल पॉइंट, जैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन देंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फंक्शन आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यानी क्लासिफाई देम इनटू रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम एंड क्रिटिकल पॉइंट क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद क्या किया मैंने निकाला एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर मैंने निकाला वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जब मैंने लिया तो क्या हो गया, टू एक्स हो गया, ये एक्स हो गया वन, फोर वाई आ गया। ठीक है, ये जीरो हो गया और एक्स हो गया वन। ठीक है, ये हो गया फोर, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। ठीक है, इसी तरीके से मैंने वाई का लिया, ये हो गया जीरो, ये हो गया एक्स वन, हो गया फोर एक्स। ठीक है, वाई हो गया वन, फोर एक्स हो गया, अब टू जो फोर फोर वाई, और ये हो गया जीरो, अब एट एट हो गया वन, यानी वाई हो गया वन, यहाँ एट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्स आ गया वन, इसको मैंने दे दिया क्वेश्चन वन, इसको मैंने दे दिया क्वेश्चन टू। ठीक है, अब मैंने उनको दोनों को एक बार कर लिया जीरो के। अब देखें अभी तीन नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, एक्स वाई और एक कॉन्स्टेंट नंबर है, अब तीनों का सॉल्व नहीं हो सकता। हम लास्ट टाइम देख के आए थे एक वेरिएबल में कि एक इक्वेशन में तीन वैल्यू आ रही, तो वो हमारे पास सॉल्व नहीं होती, तो हम कह रहे थे वाई पे, तो वाई पे थी दो वैल्यू, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें दोनों इक्वेशन ऐसी आ रही हैं जो कि सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ सपोज करेंगे यहाँ पर। देखें अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ इक्वेशन टू को फ्रॉम वन से, देखें वैल्यू इसकी भी सेम आ गई, इसकी भी सेम है, यहाँ पर क्या एडिशन एंड सेपरेशन हो सकती है। यहाँ पर मैंने कर दिया सब्ट्रैक्शन इक्वेशन टू फ्रॉम वन, इक्वेशन टू हमारे पास ये रही। ठीक है, इक्वेशन वन हमारे पास ये रही। ठीक है, दोनों का मैंने लिखा। अब आप देखें सब्ट्रैक्ट किस तरीके से होता है। ठीक है, अब आप देखें, अब ये थी प्लस की वैल्यू। ठीक है, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ था प्लस, यहाँ मैंने लिख दिया माइनस। ठीक है, यहाँ था प्लस, यहाँ मैंने लिख दिया माइनस। अब था यहाँ माइनस, यहाँ हो गया प्लस। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन में यही होता है। ठीक है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप माइनस ही करेंगे, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ माइनस था, हो गया प्लस। ठीक है, अब आप देखें ये है प्लस का, ये है माइनस का। ठीक है, दो में से चार के क्या गया, माइनस का टू आ गया। ठीक है, अब देखें ये है प्लस का, ये है माइनस का। ठीक है, ये कट गया। अब देखें ये था माइनस का, यहाँ हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, प्लस क्या हो गया एट एंड एम ट्वेल्व, ट्वेल्व आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख के अब देखें इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा यहाँ आ गया, अब माइनस टू एक्स वहाँ चले गया। ठीक है, टू वन जो टू, टू सिक्स ट्वेल्व, टू एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास सिक्स। ठीक है, अब हमने इसे एक्स को पुट कर दिया इक्वेशन वन में, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना हुआ है, अब हमने एक्स को पुट कर दिया इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन हमारे पास क्या ये। ठीक है, ये लिखी हुई, अब हमने पुट कर दिया सिक्स, देखें सिक्स टू ट्वेल्व आ गया, फोर बाय प्लस फोर। ठीक है, ट्वेल्व फोर क्या होगा, सिक्सटीन हो गया। ठीक है, सिक्सटीन वहाँ चले गया, वो हो गया माइनस का, फोर मतलब फोर टू जो फोर जो फोर का सिक्सटीन हो गया। ठीक है, माइनस का फोर आ गया, अब देखें हमारे पास एक्स सिक्स आ गया, वाई हो गया हमारे पास माइनस फोर, तो हमारे पास क्या टेंस द क्रिटिकल पॉइंट है सिक्स और माइनस फोर। यहाँ पर देखें आपको ये क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एफ एक्स एक्स निकालना है, हमने एक्स डेरिवेटिव निकालना है एक्स से, तो जब आप निकालेंगे ये तो आपके पास आएगा टू। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसका वाई निकालेंगे एफ वाई, यानी इसका वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा फोर। ठीक है, यार अब इस ये रहा, अब इसी तरीके से अगर आप एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, यानी एक्स का रिस्पेक्ट से लेंगे वाई के, तो क्या आएगा, आप एक्स रिस्पेक्ट से लेंगे वाई के, तो आपको आएगा फोर। ठीक है, तो वाई वैल्यू आपके आ गई, तो आप इसको देख लें, तो मैंने क्या किया, फोर टू से एट कर दिया, फोर फोर सिक्सटीन हो गया, यानी स्क्वायर हो गया, और फिर आठ में से सोलह अगर क्या होगा माइनस कट। अब आप देखें डी जो है छोटा, यानी माइनस की वैल्यू होती है छोटी होती है। ठीक है, तो डी हमें यह लेस देना है, डेरिवेटिव वो लेस देना है। ठीक है, यहाँ पे आके देखें एक ये है ग्रेटर देन, ये है ग्रेटर देन, देखिए लेस देन का आपके पास एक ही है, अगर लेस देन आ गया तो आप देखें यहाँ सेटल पॉइंट आ रहा है, आपको एक्स एक्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या, सेटल पॉइंट यहाँ क्या है,
ना तो नाइटर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम है, ठीक है। तो या तो आप इसको लेते हैं डी लेसन जीरो एंड एफ एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, डी लेसन जीरो आगे खत्म बात, तो इसका मतलब क्या हैज़ नाइटर मैक्सिमम नॉर मिनिमम या हैज़ अ सेटल्ड पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लेना है। तो अगर आप आगे आके देखें तो यहाँ पर भी आपको ऐसी एक क्वेश्चन में सॉल्व हुआ है, आपका आंसर आ गया, ठीक है, सेटल पॉइंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे आप देखें अगर आपसे क्वेश्चन इसमें भी यही करना है, इसका आगे पॉइंट नहीं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया जीरो पे, तो क्या होगा, सेटल पॉइंट होगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्लियर पैटर्न समझ करना है, फिर है नहीं करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तरीके से इसमें भी यही करना है आपको, ठीक है, रिलेटिव मिनिमम। तो यहाँ पर जो है आपका लेक्चर में 15 जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें आपका जब आप आएंगे कर लिया आपने, अब यहाँ आएंगे तो आपको ये आसानी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका लेक्चर में 15 ख़त्म हो चुका है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक मरतबा प्रैक्टिस करें, दूसरी मरतबा बगैर देखे प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर देते हैं लेक्चर नंबर 16 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।